नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको YouTube चैनल फिनोवाच पे। रिलायंस कम्युनिकेशन आरकॉम को लेके एक बहुत बड़ा अपडेट देखने को मिला है। कुछ दिन पहले हम लोगों ने रिलायंस कम्युनिकेशन को लेके एक वीडियो बनाया था, और जहां पे इन्फॉर्मेशन दिया था कि रिलायंस कम्युनिकेशन का जो इंसॉल्वेंसी प्रोसेस है, जो बहुत दिन से अटका हुआ था, इंसॉल्वेंसी प्रोसेस का जो अपडेट था बहुत दिन से अटका हुआ था, उसको लेके अभी कोशिश किया जा रहा है जल्द से जल्द उसको जो है कंप्लीट किया जाए, और उसका जो नॉन कोर एसेट्स है, जो बिजनेस है, उसको भी सेल किया जाए, जो बहुत सारे है। वो अपडेट आया है, उसके बाद बोल सकते कि स्टॉक में थोड़ा बहुत तेजी देखने को मिला था, और अभी ऐसे अपडेट देखने को मिल रहा है दोस्तों। स्टॉक में लगता है और ज्यादा गिरावट बन सकता है, आरकॉम के शेयर में और भी ज्यादा गिरावट अभी देखने को मिल सकता है, ऐसा लग रहा है। अभी ऐसा जरूरी नहीं है दोस्तों कि मतलब स्टॉक में तेजी नहीं आएगा, क्योंकि आरकॉम का अगर देखेंगे तो बहुत बार जो इसमें जो गिरावट बना है, तो इंसॉल्वेंसी जो प्रोसेस है उसको लेके बहुत सारे अपडेट्स भी आया है, फिर भी आरकॉम का इंसॉल्वेंसी प्रोसेस अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। तो इस वीडियो में हम लोग जो अपडेट अभी आया है वो दिखाने की कोशिश करेंगे छोटा सा वीडियो के माध्यम से। दोस्तों रिक्वेस्ट करेंगे वीडियो पे पूरा बने रहिए, केपीवी स्किप मत कीजिए ताकि आपको एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन मिल जाए। तो दोस्तों वीडियो को यहाँ पे शुरू करने से पहले बताना चाहेंगे, जैसे कि बहुत सारे वीडियोस में हम लोगों ने जो है स्नैपसी को लेके आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर किया है। स्नैपसी तो बहुत सारे जो है इसमें प्रोडक्ट वगैरह मिलता है, डिस्काउंट देता है, कैशबैक देता है, और प्ले स्टोर में जरूर इसको डाउनलोड कीजिए। तो अभी जो है हम लोगों ने सोचा कि जो भी हमारे यूट्यूब चैनल के बोल सकते कि बिजनेस ओनर से, अगर आप बिजनेस ओनर से या फिर कोई प्रोडक्ट्स आप सेल करना चाहते हैं ऑनलाइन, तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म में जैसे कि चार्जेबल होता है, तो स्नैपसी से जो है हम लोगों ने टाई अप किया है बोल सकते हैं, जहां पे स्नैपसी जो है आपको मतलब जो भी फिनोइज के मेंबर्स है यूट्यूब चैनल के, उनको फ्री में एक रजिस्ट्रेशन देगा। मतलब एज ए वेंडर अगर आप रजिस्ट्रेशन करते हैं स्नैपसी में, तो वो आपको फ्री में हो जाएगा। तो इसमें कुछ भी दिक्कत आएगा तो आप हमें ईमेल करके बोल सकते हैं और इन्फॉर्मेशन भी पूछ सकते हैं। तो इसका लिंक हम लोग वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे दे देंगे, कैसे आप मतलब जो लिंक से आपको जो है एज ए वेंडर रजिस्टर करना है, तो आप प्रोडक्ट्स वगैरह भी सेल कर सकते हैं इनके साथ, जो कि कमीशन के अगर बात करते हैं तो वो भी हम लोगों ने इन्फॉर्मेशन लिया है, बहुत ही कम कमीशन लेगा जो हमारे यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइबर्स हैं। तो जरूर एक बार रजिस्टर कर लीजिए, प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए स्नैपसी को। अभी चलिए शुरू करते हैं स्टॉक की बात। रिलायंस कम्युनिकेशन का दोस्तों बहुत सारे अपडेट जैसे कि हम लोगों ने बताया कि आप देखने को मिला है, वो हम लोग शेयर करेंगे। अभी स्टॉक का अगर देखते जो वॉल्यूम है एनएससी बीएससी मिला के जो वॉल्यूम है एक दिन का, तो वो है 2.9 मिलियन का एनएससी बीएससी मिला के वॉल्यूम देखने को मिला है। अभी स्टॉक का जो है कंपनी का जो है ड्यूरेबिलिटी देख सकते हैं 35 out of 100, वैल्यूएशन 25 out of 100, मोमेंटम की बात करते हैं 36.6 out of 100। मतलब जो भी इन्वेस्टर्स है, रिटेल इन्वेस्टर्स वगैरह जिसने भी यहाँ पे शेयर खरीदे, उन लोगों को समझ में आ गया कि ये स्टॉक तो गिरावट दिखा रहा है, तो ज्यादा कुछ यहाँ पे जो अभी फिलहाल लगता है कि खरीदारी नहीं हो रहा है। मोमेंटम मतलब जो बायर डिमांड होता है, बायर डिमांड कुछ खास अभी रिलायंस कम्युनिकेशन के शेयर में देखने को नहीं। तो अभी का जो अपडेट आया है वो आप देख सकते हैं यहाँ पे, अभी का ये इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो अपडेट, जो नॉन कोर एसेट्स था रिलायंस कम्युनिकेशन का, जिसको बेचने के लिए एक साल पहले का बात करेंगे, मतलब माफ कीजिए इस साल का जो है पहले एक बार जो है बेचने के लिए इसको रिक्वेस्ट दिया था या फिर कोशिश किया गया था, उसको लेके अपडेट है। और हो सकता है कि यहाँ पे थोड़ा आपको डिटेल्स में हम लोग बात करें इसको लेके, तो कोशिश कीजिए वीडियो को पूरा देखने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं, अभी क्या अपडेट आया रिलायंस कम्युनिकेशन उसको लेके बातें। बैंक और आप टेलको रिलायंस कम्युनिकेशन आरकॉम के नाम पे जो आता है, which is undergoing insolvency proceedings has failed to attract any buyers for its non-core assets it put on sale earlier this year। तो इस साल के पहले जो है कंपनी ने जो एक रिक्वेस्ट दिया था या फिर जो कोशिश किया गया था, जहां पे अप्रूवल भी मिल गया था, जो रिलायंस कम्युनिकेशन के नॉन कोर एसेट्स है उसको बेचने के लिए, फिलहाल यहां पे ये देखने को मिल रहा है कि नॉन कोर एसेट्स को खरीदने के लिए कोई बायर जो है फिलहाल अभी उतना अट्रैक्ट नहीं है, ज्यादातर बायर जो है यहाँ पे अट्रैक्ट नहीं है रिलायंस कम्युनिकेशन के एसेट्स खरीदने के लिए। उसको लेके भी आगे डिस्कस करेंगे क्योंकि क्यों कोई भी बायर रिलायंस कम्युनिकेशन के एसेट्स नहीं खरीदना चाहते। इन मार्च द कंपनी थ्रू इट्स अपॉइंटेड रेजोल्यूशन प्रोफेशनल हैड इन्फॉर्म द बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बीएससी को ये बताया गया था, रेजोल्यूशन प्रोफेशनल जो है जिसको अपॉइंट किया गया था, दैट द कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स सीओसी जो है अप्रूव कर दिया था सेल सर्टेन नॉन कोर एसेट्स ऑफ आरकॉम। तो यहाँ पे जो है मार्च मंथ में जो भी आरपी रेजिस्ट्रेशन प्रोफेशनल अपॉइंट किया गया था, उनके ओर से बीएससी को इन्फॉर्मेशन दिया गया था कि सीओसी जो है कुछ नॉन कोर एसेट्स आरकॉम का बेचने के लिए अप्रूवल दे चुका है। एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट वाज इनवाइटेड बाय अप्रैल 17। तो जो भी नॉन कोर एसेट्स रिलायंस कम्युनिकेशन का खरीदना चाहता था, उनका जो एक्सप्रेशन डेट था कि कब तक इसको इन्फॉर्मेशन दिया जाए कि जो भी इन्वेस्टर है वो खरीदना चाहते हैं, वो था अप्रैल 17 तक। तो अभी यहाँ पे बात निकल के आ रहा है
कि नॉन कोर एसेट को खरीदने के लिए रिलायंस कम्युनिकेशन का कोई भी ऐसा बायर फिलहाल अट्रैक्शन में नहीं, मतलब अट्रैक्ट नहीं दिखा रहा है। दीज एसेट्स इंक्लूड, मतलब देखिए अभी रिलायंस कम्युनिकेशन का जो एसेट्स है नॉन कोर एसेट्स उसमें बहुत सारे हैं। अभी आप देख सकते हैं कि एक लैंड है पुणे में 871.1 स्क्वायर मीटर्स का, चेन्नई में एक लैंड है 3.44 एकर्स का, ऑफिसेज इन चेन्नई हेडोस रोड एंड भुवनेश्वर एंड ऑल्सो एंड शेयर। यहाँ पे जो है बहुत सारे नॉन कोर एसेट्स है रिलायंस कम्युनिकेशन का जो बेचने के लिए रिलायंस कम्युनिकेशन भी चाह रहा है या फिर सीओसी से भी जो अप्रूवल मिल गया है, बट खरीदार नहीं मिल रहा है रिलायंस कम्युनिकेशन का जो ये सब एसेट्स है नॉन कोर उसको खरीदने के लिए। हाउएवर द कंपनी फेल टू अट्रैक्ट इंटरेस्ट रिजल्टिंग इन द एक्सटेंशन ऑफ द डेडलाइन फॉर सबमिटिंग इंटरेस्ट बाई इंटरेस्ट टू बिड मल्टीपल टाइम्स द लेटेस्ट बींग जून 27। तो कोई भी खरीद नहीं रहा था रिलायंस कम्युनिकेशन के जो नॉन कोर एसेट्स है, जो यहाँ पे हम लोगों ने देखा यहाँ पे देख सकते हैं जो नॉन कोर एसेट्स है उसको कोई भी खरीद नहीं रहा था। उसके लिए जो इसका रेजोल्यूशन प्रोसेस था उसको बहुत बार एक्सटेंड किया गया है, और अभी जो एक मतलब इसके पहले जो एक्सटेंड किया गया था उसका डेट था जून 27 को। सोर्सेस इन द नोन रिवील दैट वंस अगेन देयर हैव बीन नो टेकर्स फॉर दिस प्रॉपर्टीज। तो यहाँ पे एक आप इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं, मतलब इंसॉल्वेंसी का जो प्रोसेस था उसको बढ़ा के किया गया था 27 जून तक, बहुत बार उसको जो है डिले किया गया फिर एक्सटेंड किया गया बोल सकते हैं। तो फिर भी जो है यहाँ पे अभी जो 27 जून तक जो इसका डेट था कि जिसको भी खरीदना है वो अपना इंटरेस्ट दिखा सकते हैं रिलायंस कम्युनिकेशन के नॉन कोर एसेट्स को, अभी भी देखेंगे तो कोई भी बायर्स ऐसा नहीं मिला है कि जो रिलायंस कम्युनिकेशन के जो एसेट्स है ये सब जो यहाँ पे देखने को मिल रहा है वो खरीदने के लिए इंटरेस्ट दिखाया है। तो दोस्तों ये एक दिक्कत की बात है, रिलायंस कम्युनिकेशन के लिए। और यहाँ पे देख सकते हैं कि देयर इज नो क्लियरिटी ऑन व्हाट द कंपनी इंटेंड्स टू डू नेक्स्ट। इट वाज अप्रोच द एनसीएलटी फॉर अप्रूवल ऑफ सेल सेड एसेट्स ऑन जुलाई 20, बट विथ नो इंटरेस्टेड पार्टीज इट डज नॉट सीम लाइकली। तो कंपनी का यहाँ पे कुछ ऐसा मतलब नेक्स्ट क्या करेगा रिलायंस कम्युनिकेशन का उसको लेके कुछ भी ऐसा कुछ बोल सकते कि क्लियर ऐसा इंफॉर्मेशन नहीं देखने को मिल रहा है। और फिलहाल यहाँ पे जो रिलायंस कम्युनिकेशन के एसेट्स थे नॉन कोर एसेट्स है माफ कीजिए जो एसेट्स है उसको बेचने के लिए रिलायंस कम्युनिकेशन कोशिश किया जा रहा है, बट कोई खरीदार नहीं मिल रहा है। सोर्सेस ऑल्सो रिवील द कंपनी कंटेम्पलेटेड सेलिंग इट्स एंटरप्राइजेस बिजनेस एज वेल। तो रिलायंस कम्युनिकेशन जो है उसका जो एंटरप्राइजेस बिजनेस है उसको भी सेल करने के लिए देख रहा था। हाउएवर द बिजनेस व्हिच इज रनिंग विद स्केटेलल टीम अकॉर्डिंग टू दोज इन द नोन डिपेंड्स हेविली ऑन बल्क वॉयस एंड मैसेजिंग सर्विसेज। द एंटरप्राइजेस ऑफरिंग बाई टेलकोस हैव एडवांस्ड टू इंक्लूड एडवांस प्रोडक्ट्स यूजिंग डेटा इंटरनेट मैसेजिंग एंड ad solutions. Hence, analysts believe that this is too is unlikely to attract any meaningful buyers. तो यहाँ पे देख सकते हैं कि रिलायंस कम्युनिकेशन जो उसका और एक जो बिजनेस था उसको भी बेचने के लिए कोशिश किया जा रहा था। उसका जो बिजनेस है आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है प्रोडक्ट्स यूजिंग डेटा इंटरनेट मैसेजिंग ये सब है। तो फिलहाल यहाँ पे जो बायर्स है उनका मतलब उनको भी यहाँ पे इस बिजनेस के लिए भी बोल सकते हैं कि अट्रैक्ट नहीं कर पाए रिलायंस कम्युनिकेशन। दोस्तों यहाँ पे इतना तो क्लियर समझ में आ गया कि रिलायंस कम्युनिकेशन का जो इंसॉल्वेंसी प्रोसेस है उसमें और भी डिले हो सकता है, और वो कब तक कंप्लीट होगा इंसॉल्वेंसी प्रोसेस वो कहना अभी एक मतलब दिक्कत है, क्योंकि रिलायंस कम्युनिकेशन के जो नॉन कोर एसेट्स है उसको बेचा नहीं जा रहा है कोशिश किया जा रहा है बट कोई उसको खरीद नहीं रहा है। और उसके पीछे भी बहुत सारे अपडेट्स है, क्योंकि जो भी इन लोग के लैंड प्रॉपर्टीज है फिर बिजनेस है उसमें बायर्स को ऐसा कुछ मतलब अट्रैक्शन करने के लिए दिख नहीं रहा है कि बायर जो है उसमें अट्रैक्ट हो। तो कोई भी बायर जो है फिलहाल अभी उसमें अट्रैक्ट नहीं हो रहा है रिलायंस कम्युनिकेशन के नॉन कोर बिजनेस को खरीदने के लिए, और उसी के चलते हमें लगता है कि रिलायंस कम्युनिकेशन के स्टॉक में और ज्यादा गिरावट बन सकता है। अभी इसका मतलब ये नहीं है दोस्तों, बार बार हम लोग कहते हैं कि इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग कह रहे हैं कि रिलायंस कम्युनिकेशन का शेयर आपको बेचना चाहिए या फिर खरीदना चाहिए। जब भी कोई शेयर खरीदते या बेचते हैं दोस्तों खुद से एक बार जरूर रिसर्च कर लीजिए शेयर खरीदने से पहले या बेचने से पहले। तो यहाँ पे वही हम लोग देखने को मिला है कि रिलायंस कम्युनिकेशन का नॉन कोर एसेट्स को अभी फिलहाल खरीद नहीं रहा है। दोस्तों वीडियो को यहाँ पे कंप्लीट करते हैं, वीडियो बनाने का मकसद यही था कि रिलायंस कम्युनिकेशन को लेकर क्या अपडेट आया है, रिलायंस कम्युनिकेशन के शेयर में क्या चल रहा है, एक छोटा वीडियो के माध्यम से वो इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर किया जाए। आशा करते हैं जो भी इंफॉर्मेशन दिया है अच्छा लगा रहेगा। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। अगर आप हमारे YouTube चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।